इंदौर में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। लगातार दो दिनों से 102 कोरोना के मरीज सामने आने से पूरा स्वास्थ्य महकमा चौंक गया है। संक्रमण दर बढ़कर 18.81% हो गई, जबकि गुरुवार को संक्रमण दर 14.14% थी। वर्तमान में 534 एक्टिव मरीज मिले हैं। इधर एक्सपर्ट्स ने कोरोना की चौथी लहर से इनकार किया है, लेकिन यह भी कहा है कि राखी पर कोरोना पीक पर रहेगा। सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सत्या का कहना है कि अभी जितने भी मरीज आ रहे हैं उसमें ज्यादातर वे हैं जिन्हें सर्दी खांसी है और कोविड टेस्ट कराया है। इनमें किसी के भी गंभीर होने जैसी बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चौथी लहर जैसा फिलहाल कोई मामला नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इंदौर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक एक साथ 102 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। शुक्रवार को फिर 102 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। खास बात यह है कि गुरुवार को संक्रमण की दर 14% थी, जो अब बढ़कर 18% हो गई है। हालांकि जो कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं वे जल्द ही ठीक भी हो रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना के 99% मरीज ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लगी है। कोविड से ठीक होने में उन्हें 3 दिन लग रहे हैं। कुछ ही मरीज ऐसे हैं जो 4 दिन में ठीक हो रहे हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर रवि डोसी के मुताबिक इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राखी के त्योहार पर कोरोना का पीक आ सकता है। हालांकि इस बार कोविड अन्य बीमारी के गंभीर मरीजों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसमें किडनी कैंसर और शुगर पेशेंट भी शामिल हैं। इसमें भी 70 साल से अधिक उम्र की मरीजों की संख्या अधिक है, जबकि 40 साल की उम्र के लोगों को मामूली गले में खराश की शिकायत हो रही है। इनमें से 99% ऐसे मरीज हैं जिन्हें वैक्सीन के सभी डोज लगे हैं। बहुत कम ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्हें वैक्सीन का एक ही डोज लगा है। डॉक्टर डोसी की माने तो जो लोग अभी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं वे जल्द ही ठीक भी हो रहे हैं।